देखिए दोस्तों, ये सैमसंग का एलईडी 24 इंच का है, जिसका मॉडल है UA424H4003। जब ये आया हुआ था तो ये टीवी बंद था, तो हमने सब जितनी आईसी है सबका वोल्टेज चेक किया, तो तकरीबन सबका वोल्टेज बराबर था। सिर्फ एक आईसी का वोल्टेज, जिस पे ये आईसी, यहाँ पर ये आईसी, और ये 3.3 वोल्ट होनी चाहिए, 3.3 इसमें से नहीं निकल रहा था, और एलईडी हल्का सा खाली ब्लिंक करता था, यहाँ का जो एलईडी हल्का सा ब्लिंक करता था, और थोड़ी देर बाद वो भी रुक जाता था, फिर ऑफ़ करके फिर चालू करो तो फिर ब्लिंक करता था, लेकिन 3.3 वोल्ट यहाँ पे नहीं आता था। और उसके बाद हमने ये आईसी बदला तो 3.3 वोल्ट आ गया और टीवी हमारा चालू हो गया। और वो जो आईसी हमने निकाल के लगाया, वो हमने देखिए टीवी चालू हो गया है, और जो हमने आईसी निकाल के लगाया, हमारे पास आईसी नहीं थी तो हमने बोर्ड का ही निकाल के यहाँ से ये वाली आईसी निकाला और इसमें यहाँ पे बैठा दिया। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।